बिजनौर के कोतवाली देहात में एरिया बंटवारे को लेकर किन्नरों में जंग छिड़ गई। देखते देखते मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। इसके बाद दर्जनों की संख्या में किन्नरों ने थाने पर पहुंचकर हंगामा किया और रोड को जाम कर दिया। बमुश्किल पुलिस ने जाम खुलवाया और किन्नरों ने अमरीश नाम की एक किन्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में थाने के सामने किन्नरों में एरिया बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। अमरीश नाम के किन्नर ने गद्दीदार किन्नरों से उनका एरिया छीन लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। अमरीश ने बिजनौर के गद्दीदार किन्नरों पर जबरदस्ती लिंग परिवर्तन का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिस पर जिले के सभी किन्नर आग बबूला हो गए और थाना कोतवाली देहात पर पहुंचकर हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। किन्नरों का आरोप है कि अमरीश नाम का किन्नर जबरदस्ती उनसे उनका एरिया छीन रहा है। सभी किन्नरों ने स्थानीय पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है, मैं लगीन में रहती हूँ। आज आप थाने आई हैं? जी हाँ, वो अपने टीम के साथ सब आए हैं। मेरे चेले, नाती भाई, गुरु भाई, किस किस संबंध में आए? इसलिए आए हैं, वो अमरीश उर्फ मनीषा ढकोली का रहने वाला नेटवर्क थाने का जी, ठीक है ना। वो अब से दसियों साल पहले से वहाँ रहता था, मथुरा कोसी जी, कोसी कला मथुरा, वहाँ रहता था। हमने तो उसको देखा भी पहली बार है 20 दिन पहले, हमने तो कभी जिंदगी में उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी। और वो जबरदस्ती कह रहा कि मैं इनका चेला हूँ, शीला का पोती चेला हूँ, ऐसे बोल रहा जी। जबरदस्ती कोई सबूत दिखाए कि शीला का वो चेला है, कोई वीडियो, कोई कागज, कोई पत्थर कुछ दिखाए तो चलो हम मान जाए, है ना। और 10 साल से वहीं रह रहा था, वो इलाका मांग रहा। वहाँ पे 8-9 महीने पहले उसने अपना लिंग परिवर्तन करा कोसी कला में, और उन हिजड़ों को फंसवाया झूठा आरोप लगा के, माया को, कोसी वाली को, उनकी भी वीडियो है और कागज भी आए वहाँ से। इनने उनसे जबरदस्ती 10-5 गांव ले लिए उनसे, उन पर झूठा आरोप लगा के। फिर वहाँ से ये भागा तो ये आया वहीं जिला मथुरा में शेरगढ़ छाता पड़ता है, वहाँ तमन्ना नायक रहती है, तमन्ना किन्नर जो वहाँ की मालिक है। फिर उस पर इनने झूठा आरोप लगाया, है ना, उससे नंदगांव के इलाका ले लिए इसने, 10-5 गांव उससे ले लिए वो कागज। फिर जब वहाँ पे ये कागज उन्हें पढ़ के दे के फिर आया, ये वो सब लिखा था वहाँ की भी, क्या बोले उसे, क्या वो शेरगढ़ छाता की भी ये रिपोर्ट है वहाँ की। वहाँ ये लिख के दे के आया है कि मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं और मैंने खुद परिवर्तन किया है, मैं किसी का झूठा नाम नहीं लगाऊंगा, ये सब कागज है लिखे हुए। जैसे कि उसने एक वीडियो वायरल किया जी हाँ, उसके संबंध में क्या कहना आपका? वो वीडियो वायरल इसने जो किया है, इसने अमरीश ने, हाँ उसमें बोल रहा था कि क्या, उसमें बोल रहा कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ है, ये बोल रहा था। तो पुलिस को इसने पैसे दिए तो पुलिस ने पैसे लिए इससे, ठीक है ना। और हम गद्दीदार हिजड़ों को परेशान किया जा रहा, उसको पकड़ा नहीं जा रहा, चोर को जो झूठे आरोप लगा रहा, कभी कह रहा कि मुझे मुसलमान करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे किन्नर, तो हमारे में कोई धर्म नहीं होता, हमारे में 7 कौम 14 कौम होती है, हमारी एक ही धर्म होता किन्नर बिरादरी,